दोस्तों दिवाली पर हम बहुत ही श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पर उनकी पूजा विधि विधान के साथ कैसे हो, स्टेप बाय स्टेप कैसे हो, ताकि हमारे घर घर में धन ध्यान की बरखा होती रहे और कभी भी हमें पैसों की कमी ना हो, ये इसका शायद हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीका नहीं पता है। तो आज निकी जी हमारे साथ हैं, जो इस टाइम एक बड़े ही मतलब सुंदर तरीके से एक आपको किट ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप पूजा की जाए और इस किट में क्या क्या रहेगा। आइए इनसे जानते हैं। देखिए, पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं। वेद को हम परावाणी कहते हैं। वेद किसी मनुष्य ने नहीं लिखे हैं, वेद जो है परावाणी, ईश्वर की वाणी है। पर वेद भी जो है बड़ा ही कोडेड रहस्यमय भाषा में है, हर किसी को समझ में आए और उसका इंटरप्रिटेशन हो, ये बड़ा ही मुश्किल कार्य हो जाता है। कुछ ईश्वरीय कृपा से हमें यह हम आप कह सकते कि कुछ हद तक हमने चीजें डिकोड कर ली है, वो आपके सामने हम रखने वाले हैं। लक्ष्मी के लिए कहा जाता है, तुम बिन यज्ञ न होवत वस्त्र न कोई पाता, ओम जय लक्ष्मी माता, है ना। लक्ष्मी के बिना जो तीनों शक्तियां हैं, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, दे आर द शो स्टॉपर। इनके किसी भी एक की अगर कृपा आपकी रुक गई तो आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। इनकी अगर कृपा हो गई तो गधा भी पहलवान बन जाता है ना। तो आप देखेंगे कि इनका बहुत ही महत्व है। अब वेदों की अगर बात करें तो जो ऋग वेद है, ऋग वेद, उसमें ज्यादातर ऋचाएं हैं और श्री सूक्त का हमने काफी जिक्र किया है, काफी आपको वीडियोस अगर वगैरह में मिलता है जिक्र। ब्राह्मण पंडित भी इस पे काफी एम्फोसिस करते हैं के धन धान्य संपत्ति वैभव, है ना, नाम नेम फेम सब देने में सक्षम है ऋग्वेद से लिया हुआ श्री सूक्त। ये लक्ष्मी की परम श्रेष्ठ स्तुति है। अच्छा। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्व पुरुषाणहम अश्वपूर्वामृत मध्याम अस्तिनाद प्रबोधनी में ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी हो भव्यश्रीम। 16 मंत्र की ये पूरी स्तुति है, फिर उसके बाद फल स्तुति है। तो ये ऋग्वेद से ली गई है और ऋग्वेद के जो हर वेद का एक ग्रह है और एक देवता है। ऋग्वेद का जो ग्रह है वो जुपिटर प्लैनेट है और उसका जो ग्रह है देवता है वो है अग्नि। अच्छा। अब जैसे मान लीजिए ये जो पूरा ये है, जैसे डिफेंस, हमारे डिफेंस की पूरी आर्मी, अगर वो आपके पास आ जाए तो आप बलशाली महसूस करेंगे। बिल्कुल। अगर डिफेंस मिनिस्टर ही आ जाए आपके पास, अच्छा, तो आप और बलशाली महसूस करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर भी अगर आपके पास आ जाए तो क्या कहने जी। प्राइम मिनिस्टर भी आपके, डिफेंस मिनिस्टर भी आपके, डिफेंस आर्मी भी जो है आपकी, तो ग्रह को भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना देवता को स्थान है। और जिस देवता की ऋचा स्तुति हम पढ़ रहे हैं, तो अब आपको करना यह है कि लक्ष्मी की तस्वीर आप रखेंगे जी, बृहस्पति का यंत्र अपने हाथ से बनाएंगे, अच्छा, येलो कलर के या गोल्ड कलर के पेन से या केसर की कलम से जुपिटर का यंत्र आप ड्रॉ करेंगे और श्री सूक्त का अगर पाठ पढ़ सकें 16 मंत्र का तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई भी लक्ष्मी का मंत्र, है ना, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। अगर श्री सूक्त पढ़ते हैं तो हर श्लोक के बाद एक मतलब एक दीपक एक बार आपको प्रज्वलित करना है, हर श्लोक के बाद एक बूंद घी का उस दीपक में डालेंगे, क्योंकि इसके देवता कौन है, अग्नि। अग्नि तो हमने बृहस्पति को भी पुष्ट किया, अग्नि को भी पुष्ट किया और लक्ष्मी माता को भी पुष्ट करिए। और लक्ष्मी को जो आप विधि विधान से भोग चढ़ाते हैं, बर्फी हो सकता है, अनार हो सकता है, बिल्व फल
वो हम इस किट में भी आपको प्रोवाइड करने वाले, बिल्व फल आप चढ़ाएंगे और कमल गट्टा जो है लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, हवन आदि भी कर सकते हैं धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन, दोनों दिन। अब इसमें एक जो लेयर है, जो ट्विस्ट है, लक्ष्मी तो हमने कह दिया तुम बिन यज्ञ न होवत वस्त्र न कोई पाता, परंतु इस ब्रह्मांड की जो सुप्रीम बॉस है दैट इज गॉडेस काली जी, शिव को हम कहते हैं कि इसके जगत के पिता जो हैं वो शिव हैं, और आप पीछे फोटो में देख सकते हैं शिव जी भी काली के चरणों में स्थान सोए हुए हैं जी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जो जननी है वह काली है, इस पूरे संसार की जो जननी है, सृष्टि की जो जननी है वह काली है। देवी अथर्वशीर्ष में काली खुद को अहम यानी मैं करके संबोधित करती है, और खुद अपने मुख से कह रही हैं ये पूरे सृष्टि को, ये सप्तऋषि मंडल को, ये देवता मंडल को, ये ग्रह मंडल को, ये नक्षत्र मंडल को, ये पूरे लोक परलोक को जो जन्म देने वाली हूं मैं हूं, ये काली का स्वयं का वर्ड है। अच्छा, अब दिवाली से पूर्व हम काली चौदस मनाते हैं, इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है जी। उस दिन आपको काली की उपासना करनी है, है ना, काली को जो है नींबू चढ़ाया जाता है, नींबू भी चढ़ाया जाता है, और काली को आप कुछ भी किसी भी पद्धति से आप कर सकते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, एक नारियल चढ़ा दीजिए, एक दो नींबू चढ़ा दीजिए या नींबू की माला चढ़ा दीजिए। हमने एक रेमेडी बताया काली को 5-स्टार चॉकलेट, उसका पूरा हमने लॉजिक दिया है, वो आप देख सकते हैं। और एक बहुत ही रेयर टेक्स्ट अथर्ववेद, जैसे आपको मैंने ऋग्वेद के बारे में बताया कि उसका जो देवता है वो अग्नि है, उसका ग्रह जो है वह बृहस्पति है। अब जो अथर्ववेद है जिसमें सब अकल्ट ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक सब होता है, उसका ग्रह जो है बुध ग्रह है मरकुरी, और उसकी जो देवी है वह है भगवती काली। अब अथर्ववेद का एक बड़ा ही रेयर टेक्स्ट है ना, ये हम जो है आपके लिए लाए हैं, जो आपको काली चौदस के दिन आपको इसे पूजा करना है, और इवन लक्ष्मी पूजन के दिन भी आप काली की प्रतिमा रखेंगे तो पूजाएं करेंगे। अब हम एक किट जो है आपके लिए बनाया है, इसमें लक्ष्मी की बड़ी सुंदर तस्वीर आएगी, अष्ट लक्ष्मी, लक्ष्मी के अष्ट ऐश्वर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, है ना, अलग अलग तरह वीर लक्ष्मी, अलग अलग तरह के 8 प्रकार के लक्ष्मी के स्वरूप होते हैं, और काली की बड़ी एक सुंदर प्रतिमा और एक गोमती चक्र देख सकते हैं आप जी। गोमती चक्र जो है इसमें एक पिक्यूलर कर्व होता है, इसे फिबोनाची गोल्डन रेशो कर्व कहा जाता है, ये भारत में सिर्फ गोमती नदी में पाया जाता है ये पत्थर, और ये जो कर्व है आप ये प्रकृति में भरपूर प्रचुर मात्रा में देखेंगे, हाथी के सूंड में ये कर्व होता है, फलों का कर्व जो है इस शेप में होता है, वृक्षों का जो पाम ट्रीज होते हैं वो इस शेप में बेंड होते हैं, हमारे आंख का जो पैटर्न है पीना आए आईबॉल्स का जो पैटर्न है वो शेप में होता है, कानों का पैटर्न। इस नॉलेज को सलमान खान एक्टर भी जानते हो, बिग बॉस के सेट में पीछे गोल्डन रेशो का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गोमती चक्र दिवाली पे इसका विशेष प्रयोग होता है, इसकी पूजा भी की जाती है, इससे चांदी की अंगूठी में जड़ के हमने ये अंगूठी बनाई है, इसे आप दिवाली के दिन धारण करेंगे, ये दोनों प्रतिमाओं का पूजन करेंगे। ये टेक्स्ट आपको अथर्ववेद का टेक्स्ट मिलने जा रहा है, और एक बड़ा ही सुंदर ये प्रोडक्ट श्री अंतर गोमती चक्र पिरामिड, इसमें कौड़ियां हैं, रुद्राक्ष है, गोमती चक्र है, मेरु पुष्प है, और ये पिरामिड की आकृति में है, ये पूरा एक किट, और इसके साथ एक बिल्व फल, बिल्व के वृक्ष के लिए कहा जाता है, लक्ष्मी के स्तनों से उत्पन्न हुआ है बिल्व फल, ये सब पूरा किट हम आपको एक ही किट आपको ऑफर करने जा रहे हैं। दिवाली पूजन में आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं 100% हमसे लिखवा कर ले लें, लक्ष्मी की अनुकंपा होना कृपा होना तय है निश्चित है, और मात्र 4,999 रुपए में आप इसे पूरे भारतवर्ष में इंक्लूडिंग डिलीवरी इसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात।
क्या बात है। तो दर्शकों, किस बात का इंतजार है आपको? इतना अच्छा शुभ फलदायी और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ ये जो किट आपको मिल रहा है, आप इसे लेना मत भूलिए और जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए, ताकि आपको दिवाली के पहले, जो हम लोग धनतेरस काली चौदस से हमारी जो दिवाली शुरू हो जाती है, उसमें आप इसका बिल्कुल उपयोग कर सके और आपके घर में धन धान्य की बरसात होती रहे।